कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल उड़ारिया के आज के एपिसोड में आपने देखा होगा कि किस तरह से इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक वीडियो चलता है जिसके बाद तेजो के परिवार की बुरी हालत हो जाती है। तेजो के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और फतेह के पिता का गुस्सा फूटता है पार्टी वर्कर्स पर और वो कहते हैं कि ये गिरी हुई हरकत किसने की। तेजो के पिता को हार्ट अटैक आने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिसके बाद अमरीक और फतेह भी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। लेकिन फतेह को देखकर तेजो के पूरे परिवार का गुस्सा उस पर फूट पड़ता है। वहीं तेजो भी फतेह को लगातार 2-3 थप्पड़ जड़ देती है और उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन फतेह कहता है कि वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद फतेह वहां से चला जाएगा और वो देखेगा कि तेजो अंगद की बाहों में फूट फूट कर वो रो रही है। वो अंगद के सामने अपना दुख जाहिर कर रही है। इसी बीच जैस्मीन अमरीक से माफी मांगेगी और अमरीक भी जैस्मीन को माफ करने के लिए मान जाएगा। और वहीं नर्स आएगी और कहेगी कि हालत बेहद ही गंभीर है और खून की जरूरत है। तेजो की हालत खराब होने के चलते वो खून नहीं दे पाएगी। फतेह चोरी छिपे नर्स को अपने पास बुलाएगा और तेजो के पिता को खून देगा, जिसके बाद उनकी हालत में सुधार आएगा और उन्हें होश आएगा। होश आने के बाद वो अंगद के सामने हाथ जोड़ कर ये कहेंगे कि वो अपनी बेटी तेजो की शादी उनसे करवाना चाहते हैं। क्या वो ये करने के लिए तैयार हैं? जिसके बाद अंगद कहेगा कि अगर तेजो जी को कोई एतराज नहीं है तो वो ऐसा करने के लिए तैयार है। जिसके बाद वो दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथों में थमा देंगे। फतेह ये सब कुछ ओटी से बाहर खड़े होकर देख रहा होगा और उसे पछतावा हो रहा होगा कि आखिर उसने तेजो का साथ क्यों छोड़ा। आगे क्या कुछ होगा सीरियल की कहानी में, ये देखना बेहद ही इंटरेस्टिंग होगा। टीवी टाउन से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।